खबर रीवा जिले से है, जहां मुख्यालय जवा की इकलौती शासकीय हाई स्कूल जवा प्रभार की बैसाखी पर संचालित है। विद्यालय का माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन तो हुआ, परंतु शिक्षा विभाग यहां प्राचार्य तक उपलब्ध नहीं करा सका। ऐसे शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाकर विद्यालय संचालन की कागजी नौटंकी शुरू की, जो आए दिन शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय आते हैं। जवा शासकीय हाई स्कूल थाना जवा के बगल में संचालित है। जवा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्रोत समन्वयक, तहसीलदार एवं जनपद कार्यालय जवा में ही संचालित है। ऐसे स्थान पर संचालित विद्यालय के प्राचार्य राजेश कुमार कोल शराब के नशे में विद्यालय आना और नशे के हालत में विद्यालय की शिक्षकीय व्यवस्था संचालन किस तरह से किया जा रहा है, छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का कार्य निरंतर जारी है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा एवं नेक नियत पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप क्यों बंद कर रहे हैं दरवाजा, गेट बंद करके अंदर क्यों घुस रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका, अफसर बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम राज कुमार। अच्छा, ये बताएं कि ये आप यहाँ किस पद पर हैं? माध्यमिक शिक्षक। नहीं, माध्यमिक शिक्षक है आप, प्रिंसिपल तो आप नहीं है कि हैं? तो ये आपके बारे में लगातार शिकायत आ रही थी कि आप यहाँ ड्रिंक करके आए हैं। वर्तमान समय आपकी जो आंखें लाल हैं, आप जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे आप ड्रिंक किए हों। हैं, आज आपने क्या पढ़ाया क्लास में? आज बच्चे थी। हाँ, समझ गया, कुछ थी। हाँ हाँ, अच्छा, देखिए जिस तरीके से आप ये बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये अध्यापक को शोभा देता है क्या? हमने क्या, देखिए ऐसा है कि जो आपसे हम एक क्वेश्चन, देखिए ऐसा है कि जो आप अध्यापक है, सामान्य भाषा में मतलब विशिष्ट भाषा में कहा जाए तो आप गुरु हैं, तो गुरु को क्या शोभा देता है कि आप ड्रिंक करके विद्यालय आना? हमने बच्चों को, हाँ बच्चे में, हाँ हाँ, आप प्लीज़ हमसे बात करें। देखिए आपके मुँह से दुर्गंध भी आ रही है, आपके मुंह से दुर्गंध भी आ रही है, प्लीज आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अध्यापक हैं, जब आप ऐसा करिएगा तो किसी दूसरे को क्या आप सिखाइएगा? करता नहीं, पीता हूँ ना खाता हूँ। ना पीते हैं ना खाते हैं, ठीक है, ओके। हम नाट भी करते हैं। ओके ठीक है, मैं बुला निकली। हाँ हाँ, हमने हाँ चालू करवाया। हाँ हाँ, आज हम अच्छे अवकाश में हैं। हाँ, अच्छी अवकाश में हैं तो ठीक है, आप अवकाश में हैं। हम ये कहते हैं मास्टर साहब कि ये बताएं, दारू पी के यहाँ आ करके विद्यालय में दारू पी के आने क्या हो सकता है? दारू थोड़ा भी, शराब पी ले तो आएगा नहीं। आपकी आपकी जुबान बता रही है। अब ये उच्च कार्यालय को सूचना देंगे, अब उच्च कार्यालय हमारा जो मैंने कार्यवाही करेगा वो मान्य होगी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्यवाही, चूंकि एक प्रिंसिपल के मतलब जिम्मेदार वाला पद होता है, यदि वो नशे की हालत में स्कूल में थे तो उनको दंड मिलना चाहिए। दंड का स्वरूप कैसा होगा? दंड का स्वरूप अब वही हमारे जो है डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, माने दंड का स्वरूप जो है वो तय करेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, आपका नाम क्या है? पंचम सिंह नाम है मेरा। पंचम सिंह नाम है, तो किस पद में यहाँ पे आप हैं? हम सहायक शिक्षक पद पे हैं। अच्छा, तो ये बताएं सर, जो ये वहाँ अंदर अभी हम बात कर रहे थे, क्या नाम था उनका? राजेश कुमार कोल। राजेश कुमार, राजेश कुमार जी जो वहाँ के यहाँ जो अध्यापक हैं, प्राचार्य हैं जी। हाँ। अच्छा, जो प्राचार्य हैं, तो ये ड्रिंक करके आ जाए हैं, इसके पहले भी कई बार शिकायतें मिली, तो इसमें आपका क्या कहना है? जब मैं आता था विद्यालय जी, एक दो फर्स्ट में जब मैं आया था विद्यालय में जी, और जी इनका ये तरीका देखा तो हमने पकड़ के हाथ बैठा दिया था एक कमरे में जी, कहा आप कहीं जाओगे नहीं कक्षा के अंदर जी, अब उठोगे तो सीधे घर। फिर ये दो दिन विद्यालय नहीं आए जी, फिर आए एक दिन तो बोले सर अपने सामने कह दिए होते मुझे ये बात। हमने कहा ये आदत छोड़ने के लिए मैंने आपको कहा था जी जी, गुरु का ये जो है ये तजुर्बा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब ये खुद ऐसा पियेंगे तो क्या संस्कार देंगे बच्चों को? उसके बाद आज मुझे इस तरह से फिर से, हाँ थोड़ा आप दूर बैठे। हाँ सर, इस चीज़ की जानकारी सर, आप लोग आ ही गए सर, इस चीज़ की जानकारी आपने किसी से बताया था आगे ऊपर विभागी? नहीं सर, मैंने नहीं बताया किसी से, विद्यालय की मर्यादा है आपको जी, जी। भी गंदा लगता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तो शिक्षक हूँ। बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि आज ऐच्छिक अवकाश है, हम अवकाश में थे, इस पे आपका क्या कहना? अब ये प्रभारी हैं सर। हाँ आया, हाँ
सवा 10 बजे रजिस्टर में सिग्नेचर किया। बिल्कुल। उसके बाद अपने काम में मैं लग गया। तो ये उत्पाद ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे उस समय तो नहीं आए, ये रिसर्च के बाद आए। तो यहाँ फील्ड में वॉलीबॉल हो रहा था। हाँ हाँ। मैं भी थोड़ा खेल रहा था बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उसी समय हमको समझ में आई कुछ बात। हाँ। तो मैंने कहा आपको, मैंने एक बार मना किया था। हाँ। फिर आपने वही बात दोहरा दिया। हाँ। गलती आप क्यों दोहरा रहे हो बार बार, ये गलती है आपकी जी। अब ऐसा करेंगे कि हम लोग घसीट के आपको बाहर करेंगे। अच्छा। और तो कुछ कर सकते नहीं आपका, क्या तो करेंगे? आप अपने विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे सर, ऐसे अध्यापक के खिलाफ जो आपके प्रिंसिपल हैं? अब हम चाह रहे हैं सर, हाँ। कि या तो ये अपनी आदत में सुधार करें, अगर संभव हो सके तो 100%। बिल्कुल बिल्कुल। इनसे भी बाल बच्चे जुड़े हुए हैं उसी नौकरी से, उनने तो कोई दोष नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहता कि इनके बाल बच्चे भी इसी में जो है बर्बाद हो जाएं। हाँ। या तो ये सुधार करें। नहीं चाहता कि जो विद्यालय के बच्चे हैं वो भी अपने बच्चे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी नहीं चाहता कि इनकी छाप उन बच्चों पर पड़े। जी जी। तो मतलब ये चाहते कि या तो इनमें आदत में सुधार हो या इनको यहाँ से कहीं और भेजा जाए। अपना अपना ट्रांसफर कर ले। अच्छा चलेगा दूसरी जगह। ओके ओके। थैंक यू सर।